प्रशासन ने कश्मीर घाटी में कानून और व्यवस्था में मामूली सुधार के मद्देनजर रविवार को घाटी के 4 जिलों में लगा कर्फ्यू हटा दिया है। पुलिस ने पुष्टि करते हुए कहा कि गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा और बारामूला जिलों से कर्फ्यू हटाया गया है। राज्य सरकार इन 4 जिलों में स्कूलों को खोलने के आदेश पहले ही दे चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में निजी वाहन सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में नेहरू गेस्ट हाउस में कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इन प्रतिनिधियों में लोक समाज, मौलवी, सिख, पंडित समुदाय के सदस्य भी शामिल है। वे सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि वे दिल्ली रवाना होने से पहले कानून और व्यवस्था पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में सीवान के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को हाजीपुर जीआरपी ने छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब वे अप पूर्वांचल एक्सप्रेस की AC2 बोगी A1 में सफर कर रहे थे। उनके बगल के बर्थ पर अपने पिता के साथ सफर कर रही 12 साल की एक लड़की ने एमएलसी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस मामले में एमएलसी पर FIR दर्ज कराई गई। बीजेपी ने फौरन कार्रवाई करते हुए एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पांडे ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि वो अपना चार्जर निकाल रहे थे, तभी लड़की ने शोर मचा दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन में एस्कॉर्ट कर रही जीआरपी ने हाजीपुर जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय सिंह को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के हाजीपुर में रुकते ही एमएलसी को बोगी से उतार कर जीआरपी थाने लाया गया। हालांकि एमएलसी ने छेड़खानी से इनकार किया है। महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। आप विधायक के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई। उनके खिलाफ IPC की धारा 509 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ऊना हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट में ऊना में दलितों की पिटाई और हिंसा के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने लिखा, दलित हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी से साबित होता है कि ये हमले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय सहयोग से हो रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के CM ने राजकोट जाकर अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात सरकार को दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने गुजरात सरकार पर दलितों का दमन करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में BSP और BJP के बीच चल रही लड़ाई में BJP के एक सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बलिया में सलेमपुर से BJP के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर मायावती ने नसमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से नहीं निकाला तो वो BJP आलाकमान से दयाशंकर सिंह की पार्टी में वापसी की मांग करेंगे। बलिया में BJP सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि दयाशंकर के बयान के बाद BJP ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन दयाशंकर के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले BSP नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मायावती ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर माया नसीमुद्दीन की टिप्पणी को गलत नहीं मानती तो दयाशंकर ने भी मायावती के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। रियो ओलंपिक से पहले भारत को झटका लगा है। ओलंपिक के लिए भारत से रेसलिंग में इकलौता कोटा हासिल करने वाले नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। उनके 2 सैंपल फेल पाए गए हैं। यादव को सुशील कुमार की जगह चुना गया था। उन्होंने 74 किलोग्राम वेट में सुशील कुमार को बाउट के लिए चैलेंज भी किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर किया था क्वालिफाई। डोप टेस्ट में फेल होने के बारे में अभी IOA, SAI और WFIA समेत खुद नरसिंह ने भी कोई बयान नहीं दिया है। डोप टेस्ट में फ्लॉप होने पर अब उनकी रियो डी जेनेरियो जाने की उम्मीद खत्म हो गई है। 18 साल के नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया है। पानीपत के रहने वाले नीरज ने अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलियन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नीरज ने पोलैंड के बेडगोज में हुए मुकाबले में 86.48 मीटर तक भाला फेंका। पहले ये रिकॉर्ड लातविया के जिगी मुंडा क्रियमस के नाम था, जिन्होंने 84.69 मीटर भाला फेंका था।
वर्ल्ड लेवल की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज पहले एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद नीरज ने कहा, मैंने जैसे ही दूसरा थ्रो अपने हाथ से छोड़ा मुझे महसूस हुआ कि ये स्पेशल थ्रो था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं 86 मीटर के आगे फेंक पाऊंगा। मैंने अपनी फिटनेस और टेक्निक पर काफ़ी मेहनत की थी, मुझे इसका रिजल्ट भी मिला। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोच रहा था कि 82-83 तक मैं थ्रो करूँगा और ये सरप्राइज़ है मेरे लिए। और पूरी पीछे जितने भी कंट्रीज़ की टीम थी पूरा चीयर किया और इंडियंस ने भी मेरे को पूरा चीयर किया, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को हौसला आया और मैंने थोड़ा अच्छा किया। कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की शरीफ के सपने को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चकनाचूर कर दिया। सुषमा ने सख्त चेतावनी के साथ कहा कि नवाज शरीफ के कयामत तक ख्वाब पूरे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जन्नत आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे। दरअसल कश्मीर पर बयान के लिए पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ पर जोरदार हमला करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को उनसे कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का उनका सपना कायनात के खत्म होने पर भी साकार नहीं होगा। शरीफ के कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा संबंधी बयान पर नाराजगी प्रकट करते हुए स्वराज ने कहा कि यह खतरनाक सपना पाकिस्तान के आतंकवाद को निर्लज्जता से स्वीकार करने और प्रोत्साहन देने का कारण है। उन्होंने कहा कि समूचा जम्मू कश्मीर भारत का है, आप धरती के स्वर्ग को कभी आतंक का नरक बनाने में सक्षम नहीं होंगे। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान सरकार और शरीफ द्वारा योजना जारी किए जाने वाले भड़काऊ बयानों के बीच आई है। दिल्ली की पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित अमरोहा पहुंचने से पहले ही बीच यात्रा से दिल्ली को लौट गई। बताया गया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है जिसके कारण वो गढ़ मुक्तेश्वर से ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। शीला दीक्षित के न आने की सूचना से कांग्रेसियों में मायूसी छा गई। कांग्रेस की संदेश यात्रा दिल्ली से शुरू होकर गाजियाबाद हापुड़ होते हुए अमरोहा आनी थी। संदेश यात्रा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अभिनेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद आदि दिग्गज यात्रा में शामिल थे। गाजियाबाद और हापुड़ में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कांग्रेस संदेश यात्रा गढ़मुक्तेश्वर के लिए रवाना हुई। इसी बीच शीला दीक्षित की अचानक तबीयत खराब हो गई, वो बीच में यात्रा छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने बताया कि उनका अमरोहा में आना प्रस्तावित था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें बीच यात्रा से ही लौटना पड़ा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर बरसे हैं। कांग्रेस ने एक कार्यक्रम में रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने संघ को एक अवैध संगठन करार दिया। दिग्विजय की माने तो संघ का एक अपंजीकृत संगठन है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि आखिर आरएसएस को मिलने वाले चंदा कहाँ से आता है, खासकर गुरु पूर्णिमा के मौके पर मिलने वाला चंदा, इसका लेखा जोखा कहाँ है ये पता चलना चाहिए। दिग्विजय ने कहा कि जो संस्था बिना पंजीकरण के चल रही हो उसे बैन करने के लिए कोई सवाल ही नहीं बनता। कई दफा संघ को बैन करने की बात इसलिए उठ चुकी है क्योंकि संघ का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ऊना में दलितों की पिटाई के पीछे भी दिग्विजय ने आरएसएस का हाथ बताया। बता दें कि ऐसा पहली दफा नहीं जब संघ दिग्विजय के निशाने पर आया हो। दिग्विजय सिंह अक्सर संघ को आड़े हाथों लेकर अपनी बात रखते रहते हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, उनके समर्थकों ने विकासपुरी और मीराबाग के बीच बने एलिवेटेड कॉरिडोर को शनिवार को जबरन खोल दिया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका आज औपचारिक उद्घाटन करने वाले थे। एक बयान जारी कर पश्चिम दिल्ली से पूर्व सांसद ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विकासपुरी से मीराबाग तक के 3.4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है, क्योंकि निर्माण के लिए धन कांग्रेस ने आवंटित किया था। वहीं पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने जबरन फ्लाईओवर का उद्घाटन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हजारा शियाओं के एक विशाल प्रदर्शन के दौरान हुए दो बम धमाकों में कम से कम 80 लोग मारे गए और 231 घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान की राजधानी में आईएस का ये पहला बड़ा हमला है। शिया सुन्नी सौहार्द के लिए मशहूर इस देश में पंथिक कलह के बीच बोने के इरादे से ये धमाके उस समय किए गए जब बड़ी संख्या में हजारा शिया समुदाय के लोग करोड़ों डॉलर की लागत से बिछाई जा रही बिजली की लाइन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमले में 80 लोग शहीद हुए हैं और 231 अन्य घायल हुए हैं।
वहीं राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बयान जारी कर धमाके की निंदा की। उन्होंने कहा कि वो नरसंहार से बहुत दुखी हैं और मरने वालों में सुरक्षा बलों के कर्मी भी शामिल है। राष्ट्रपति भवन ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन अफगानिस्तान के हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आतंकवादी उस प्रदर्शन में घुसे और विस्फोट किए, जिनमें सुरक्षा बलों सहित बड़ी संख्या में नागरिक शहीद और घायल हुए। भारत सरकार ने 3 चीनी पत्रकारों का वीजा रिन्यू करने से इनकार कर दिया। इसके साथ उन्हें साफ कह दिया गया है कि उन्हें महीने के अंत तक भारत छोड़ना पड़ेगा। ये तीनों चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिनुआ के पत्रकार हैं। भारत की तरफ से ऐसा कम बार ही हुआ है जब उसने विदेशी पत्रकारों को वीजा देने से मना किया हो। सूत्रों के मुताबिक पत्रकारों को साफ कह दिया गया कि उनके वीजा की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। पत्रकारों के मुताबिक उन्हें इसके लिए कोई वजह भी नहीं बताई गई है। इन पत्रकारों में शिनुआ न्यूज एजेंसी के मुंबई ब्यूरो के प्रमुख तांग लू है। इसके अलावा मुंबई ब्यूरो की रिपोर्ट शी योंगांग और दिल्ली ब्यूरो की वू कियांग शामिल है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए एयरफोर्स के परिवहन विमान AN-32 को लापता हुए करीब 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अब तक गायब विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। युद्ध स्तर पर विमान को ढूंढने की कोशिश जारी है। हालांकि कोई पता नहीं लगने के कारण चिंताएं बढ़ रही है, जबकि पता लगाने वाले दलों ने बंगाल की खाड़ी में भी अपने प्रयास तेज कर दिए। हालांकि बंगाल की खाड़ी में खराब मौसम एक अड़चन बन सकता है। बताया जा रहा है नौसेना और कोस्ट गार्ड के 18 युद्धपोत विमान को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनमें एक सबमरीन भी शामिल है। इसके अलावा P-8I C-130 डोर्नियर जैसे वायुसेना के 8 एयरक्राफ्ट विमान को तलाशने में लगे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चेन्नई पहुंचकर तलाशी अभियान का हवाई सर्वे किया था। उन्होंने कमांडर को निर्देश दिया कि उन परिवारों के संपर्क में रहे जिनके लोग इस विमान में सवार हैं, साथ ही उन्हें जरूरी सूचना मुहैया करवाई जाए। एटिंगा टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने बेहद मजबूत पकड़ बना ली है। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 243 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने पहली पारी में 323 रनों की बढ़त बना ली। लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वेस्ट इंडीज को दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर किया। दूसरी पारी में भी मेजबान टीम ने एक विकेट खो दिया है और उनके स्कोर बोर्ड पर अभी सिर्फ 21 रन ही है। इस बार ईशांत शर्मा ने मेजबानों को करारा झटका दिया है। ईशांत ने पहली पारी के हीरो क्रेग को 2 रनों पर आउट किया। डॉरेन ब्रावो 10 और राजेंद्र चंद्रिका 9 रनों पर नाबाद लौटे। पारी की हार बचाने के लिए अब मेजबानों की जद्दोजहद जारी है। दिन के पहले पैर में फॉलो ऑन बचाने की जद्दोजहद थी, लेकिन अब प्राथमिकता बदल गई है। पारी की हार बचाने के लिए उन्हें 302 रनों की दरकार है। सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत फिल्म कवाली ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने सलमान खान अभिनीत फिल्म सुल्तान को पछाड़ कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निर्माता वितरक ने नाम जाहिर न करने की अपील करते हुए बताया कि सलमान की फिल्म सुल्तान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 36.5 करोड़ रुपए कमाए थे। वही फिल्म कवाली ने 40 करोड़ रुपए की कमाई की है। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद कवाली अधिक कमाई करने में कामयाब रही, क्योंकि फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज हुई। वितरित कंपनी सिने गैलेक्सी इंक के सह संस्थापक संजय दुसारी ने बताया कि उत्तरी अमेरिका में किसी भारतीय फिल्म के प्रीमियर शोज की यह सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग है। फिल्म ने प्रीमियर शोज से $20 लाख की कमाई की है। इसमें कवाली के तमिल और तेलुगु दोनों संस्करण शामिल है। कवाली अमेरिका और कनाडा में 400 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। वही फिल्म का एक दिन का कलेक्शन 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। We'll be right back.